तो इस क्लास में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एलाइड एंगल्स। अब पहली बात तो हम देख लेते हैं एलाइड एंगल्स क्या होते हैं। नाम में कुछ नहीं रखा है, बस हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख के कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी। अगर ऐसे पूछा गया हमारे पास साइन पाई बाय टू प्लस में थीटा, साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस में थीटा, साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस ऑफ थीटा, या फिर साइन ऑफ पाई प्लस में थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस में थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं हम यहाँ पे। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर एंगल कुछ ऐसा दिया गया है पाई बाय टू प्लस में थीटा, पाई बाय टू माइनस में थीटा, पाई प्लस में थीटा, पाई माइनस में थीटा, टू पाई प्लस में थीटा, टू पाई माइनस में थीटा, अगर इस तरीके के एंगल्स दिए गए हैं तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, इन एंगल्स को हम बोलते हैं अलाइड एंगल्स बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो हमारे को साइन पाई बाय टू प्लस में थीटा, टू पाई प्लस में थीटा, साइन पाई बाय टू माइनस में थीटा, अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, अलाइड एंगल्स आर बेसिकली दोस एंगल्स इन विच वैल्यू जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, कैसी, एन पाई प्लस और माइनस थीटा, या फिर एन पाई बाय टू प्लस माइनस में थीटा। और यहाँ पे जो n होगा, यहाँ पे n क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा, क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा। क्यों, अगर इवन इंटीजर हो गया, जैसे यहाँ पे 2 ही आ गया, n की वैल्यू क्या होगी, 1, 3, 5, इस तरीके की वैल्यू होगी। अगर 2 ही वैल्यू आ जाएगी तो वापस इसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर पाई प्लस माइनस में थीटा बन जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा, ठीक है। इसीलिए इसके लिए सिर्फ ऑड इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए एन की, ठीक है। एन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एन कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल्स बोलते हैं। और इनके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम बात करने वाले हैं आज इस क्लास के अंदर। और इनको फाइंड आउट करने के लिए इसका प्रोसीजर है लंबा सा, बट हम यहाँ पे हम देखने वाले हैं इसके लिए ट्रिक या फिर इसके लिए शॉर्टकट है एक तरीके से, वो तो उस मेथड को हम देखने वाले हैं। उसके अंदर देखो मैं पहले यहाँ पे स्टेप्स बता देता हूँ आपको, स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड इफ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी हम बात कर रहे हैं फॉर एन एंगल ऑफ टाइप एन पाई प्लस और माइनस थीटा। अगर इस तरीके की एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछी गई है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। पहली स्टेप देखते हैं इसके लिए हम, स्टेप फर्स्ट क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेम ही रहेगा, देयर इज नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि साइन रिमेन साइन, कॉस रिमेन कॉस, एंड टेन रिमेन टेन। साइन होगा तो साइन ही रहेगा, कॉस होगा तो कॉस ही रहेगा, टेन होगा तो टेन ही रहेगा। इन्हीं के लिए हम बात करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम देख लेंगे। तो ये हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम बात करें तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, सॉरी साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। कब, जब वैल्यू हो कुछ इस तरीके की एन पाई प्लस माइनस में थीटा, ये पहला स्टेप है, ठीक है। और स्टेप टू क्या है, एंगल जो होगा वो सेम एंगल ही रहेगा थीटा, एंगल एसोसिएटेड रिमेन एंगल एसोसिएटेड रिमेन थीटा, अगर वो थीटा है तो थीटा ही रहेगा। और थर्ड स्टेप क्या है, साइन जो होगा वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज, तो साइन इज अ फिक्स्ड, यानी कि वो फिक्स्ड ही रहेगा, साइन इज अ फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज, ठीक है। साइन इज एफ एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज, इसका मतलब क्या है, साइन के लिए हमारे को क्या चेक करना पड़ेगा, साइन के लिए हमारे को चेक करना पड़ेगा
क्वाड्रेंट, इस चीज़ को हम फिर से देखते हैं। देखो ये स्टेप्स हैं, अब हम इसका देखते हैं कैसे ये हो कैसे रहा है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं, हमारे को पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ ऐसी दी गई है, जैसे मान के चलते हैं साइन पाई प्लस में थीटा, इसकी वैल्यू हमारे को पूछी गई है, एंड थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे थीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? थीटा हम बोल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। थीटा कहाँ पे हमारे पास? हमारे को ये दे रखा होगा कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहला स्टेप क्या था हमारे पास? पहला स्टेप था अगर इस तरीके के एंगल होते हैं n पाई प्लस माइनस थीटा, उसी फॉर्म का है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू क्या है 1 प्लस में थीटा, तब साइन जो है वो साइन के अंदर ही रहेगी वैल्यू, साइन रिमेन साइन। ये हमारे पास था पहला स्टेप। उसके बाद क्या है, एंगल जो था थीटा है, एंगल रिमेन सेम, एंगल एसोसिएटेड रिमेन थीटा। अगर एंगल की बात थीटा थी तो वो क्या रहेगी? थीटा रहेगी। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास, साइन की बात करते हैं। तो ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? यहाँ पे ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बताओ? थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, थीटा किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करे, बट हमारे को जो मैंने थर्ड स्टेप लिखाया है जहाँ पे साइन इज एफिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज, तो वहाँ पे एंगल की बात हो रही है, ये कंप्लीट एंगल की बात हो रही है। कौन से एंगल की? ये कंप्लीट एंगल। थीटा की बात नहीं हो रही है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे तब भी यही प्रोसीजर फॉलो होगा, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे तब भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, और थीटा चाहे थर्ड फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में हो सेम प्रोसीजर लाई होगा, बट हमारे को एंगल देखना है तो कंप्लीट एंगल देखना है। हमने फर्स्ट स्टेप क्या देखा, साइन इस फॉर्म के अंदर एंगल है तो साइन रिमेन साइन। फिर देखा थीटा रिमेन थीटा, थीटा कैसे रहेगा? थीटा एंगल एसोसिएटेड रिमेन थीटा। और उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड हमारे को साइन के लिए हमारे को कंप्लीट एंगल देखना है, तो पाई प्लस में थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएगा? ये चले जाएगा पाई प्लस में थीटा, ये चले जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। इसको देखने के लिए कैसे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। देखो हमारे पास था एंगल, बात करिए हमारे पास एंगल है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं साइन पाई प्लस में थीटा की, यानी कि हम कुछ पहुंच गए हैं यहाँ पे। कहाँ पहुंच गए हम? देखो यहाँ से ये थीटा है हमारे पास, थीटा के आगे हम कितना चल रहे हैं हमारे को पाई, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा पाई। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ पे एंगल कितना बनता है? ये एंगल बनता है पाई रेडियंस, तो ये एंगल कितना हो जाएगा पाई। तो ये कंप्लीट एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा पाई प्लस में थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल पाई है, तो टोटल एंगल कितना हो गया? पाई प्लस में थीटा। फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है पाई, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया? ये थीटा। तो पाई प्लस में थीटा, पाई ये वाली लाइन है पाई, और इसके आगे हम गए तो कितना गए एंगल आगे हम? थीटा। कितना गए हम आगे? थीटा। तो ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पाई प्लस में थीटा। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और हमारे को साइन कुछ ऐसे देखना है, अभी हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था, ऑल पॉजिटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ही हमने पढ़ा अभी साइन कन्वेंशन, ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव एंड टेन पॉजिटिव, और उनके रिवर्स भी पॉजिटिव, और बाकी सारे के सारे क्या होंगे इसके अंदर? नेगेटिव होंगे। ऑल पॉजिटिव साइन एंड साइन का उल्टा कौन सा? कोसेक पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा पाई प्लस में थीटा। कहाँ पे आएगा? पाई प्लस में थीटा, यानी कि आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और हमारे को पता है थर्ड के अंदर क्या पॉजिटिव होता है? कॉस पॉजिटिव होता है। हमारे को साइन चेक करना है इसके लिए, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ के लिए, तो हमारे को साइन चेक करना है। साइन क्या पॉजिटिव होता है क्या थर्ड क्वाड्रेंट में? नहीं, साइन होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा? माइनस ऑफ थीटा साइन आ जाएगा। यहाँ पे कितना साइन आ जाएगा? माइनस ऑफ साइन थीटा, साइन पाई प्लस में थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिमिलरली किसकी,
बात करते हैं कॉज की, बात करते हैं किसकी, कॉज की, कॉज पाई प्लस में थीटा, कॉज पाई प्लस में थीटा। पहली बात, हमारे को कॉज इसी फॉर्म के अंदर एंगल है तो कॉज रिमेन कॉज, और थीटा क्या रहेगा, थीटा भी थीटा ही रहेगा, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डजंट मैटर, बट हमारे को देखना है कंप्लीट एंगल। पाई प्लस में थीटा कहाँ पहुँच जाएगा, ये पाई प्लस में थीटा पहुँच जाएगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। पाई प्लस में थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड के अंदर क्या, कॉज पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना, यहाँ पे क्या होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो क्या कॉज जो है, क्या वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, नहीं, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ कॉज थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कॉज ऑफ टू पाई प्लस में थीटा की, टू पाई प्लस में एन इज इक्वल टू टू, टू पाई प्लस में थीटा की, कॉज क्या रहेगा, कॉज ही रहेगा, थीटा क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा, टू पाई प्लस में थीटा कहाँ पहुँच जाएंगे हम, देखो ये हमारे पास हो जाएगा टू पाई कंप्लीट, यहाँ से लेके वापस चले और वापस हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, टू पाई प्लस में थीटा, यानी कि हम पहुँच गए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस टू पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, टेन की बात करते हैं, साइन कॉस और टेन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो टेन क्या रहेगा, देखो टेन पाई के ऊपर, टेन पाई प्लस में थीटा, अभी हम माइनस की बात कर लेते हैं, देखो पाई माइनस में थीटा, तो टेन क्या रहेगा, टेन रहेगा टेन, टेन रहेगा वैल्यू टेन, और पाई माइनस में थीटा, देखो थीटा भी थीटा ही रहेगा, बट साइन के लिए हमारे को क्या चेक करना पड़ेगा, साइन के लिए हमारे को चेक करना पड़ेगा कि ये जो कंप्लीट एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, बताओ पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, ये क्या यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पाई माइनस थीटा, पीछे आ गए हम, ये है हमारे पास पाई वाली लाइन, ये कितने है, देखो जीरो पाई बाय टू पाई, थ्री पाई बाय टू एंड टू पाई, हमारे को हैबिट बनानी है रेडियंस के अंदर एंगल मेजर करने की, जीरो, 180, ऐसे 270, 360 डिग्री ऐसे नहीं याद करना है हमारे को, रेडियंस के अंदर याद करना है, ठीक है। तो पाई तो वो पाई तो यहाँ पे है, तो माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, पाई माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, कैसे आएगा, देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, हम जनरली ऐसे ही देखेंगे इनको सिंपल फॉर्म के अंदर, देखो ये वाली पाई वाली लाइन है तो माइनस थीटा थोड़ा सा कम कर दो, हम यहाँ पे हैं, अगर ऐसे बोला जाए पाई प्लस में थीटा तो हम पाई के आगे थोड़ा सा और एंगल जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम बात करेंगे इन एंगल्स की, बट एक्चुअली में होता ये है कि अगर हम यहाँ पे थीटा को अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मान रहे हैं, थीटा को अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मान रहे हैं, तब बताओ हमारे को पाई प्लस में थीटा कैसे बनेगा, तब ये कुछ ऐसे बनेगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180, या फिर ये एंगल कितना हो जाएगा पाई, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितना डिग्री एंगल बनता है, ये एंगल बनता है पाई डिग्री का, पाई रेडियन का सॉरी, है ना, तब ये एंगल थीटा है, ये एंगल पाई है, तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 या फिर पाई प्लस में थीटा एंगल हो जाएगा, कितना एंगल हो जाएगा, पाई प्लस में थीटा एंगल हो जाएगा। अगर अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम इसको ऐसे ही सिमिलरली ये भी बोल सकते हैं कि ये पाई प्लस में थीटा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट पाई और प्लस में थीटा, तो कॉन्सेप्ट एक्चुअली में ये है। तो टेन पाई माइनस थीटा, पाई है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या है पाई, माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या टेन पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और अभी हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोई भी अलाइड एंगल्स की अगर हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी हो तो हम यही कन्वेंशन यूज करेंगे, पाई
2 pi, 3 pi, 4 pi, 6 pi, 10 pi, anything. N is any integer. अब बात करते हैं हम जब एंगल्स कुछ इस तरीके के हों, कैसे? N pi by 2 plus or minus theta. N यहाँ पे क्या है? N is odd integer. Is an odd integer. Odd इंटीजर. यहाँ पे एन क्या है? यहाँ पे एन है ऑड इंटीजर. अगर इस फॉर्म के अगर एंगल्स हो हमारे पास पाई बाई टू के इंटीजर मल्टीपल्स, वो भी ऑड इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू प्लस माइनस में थीटा की फॉर्म के अंदर हो, तब हमारे को क्या करना है? तो हम देखते हैं स्टेप वन. हमारे पास पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप वन इज साइन चेंजेस टू कोसाइन एंड टेन चेंजेस टू कॉट एंड सेक चेंजेस टू कोसेक. देखते हैं कैसे. साइन जो होगा वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा? साइन का चेंज हो जाएगा फॉर्म कॉस के अंदर, टेन का कॉट के अंदर, किसके अंदर? टेन का कॉट के अंदर. और सेक किस में चेंज हो जाएगा? सेक चेंज हो जाएगा कोसेक के अंदर. ये हमारे को तीन चीजें याद रखनी है. साइन कॉस के अंदर मैंने बताया भी था, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट. साइन का हमेशा कॉस के साथ रिलेशन बनता है और टेन का सेक के साथ, यहाँ पे सेक के साथ बनता है और कॉस का कोसेक के साथ बनता है, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है. ठीक है, साइन चेंज होगा किधर? टेन चेंज होगा उसके अपोजिट कॉट के अंदर, और सेक चेंज होगा किसके अंदर? कोसेक के अंदर चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक के अंदर. तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि इस तरीके का रिलेशन कुछ रह रहा है. ठीक है, तो साइन चेंज होगा कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के अंदर चेंज हो जाएगा. ये तो है पहली चीज. और एंगल एसोसिएटेड रिमेन थीटा. एंगल एसोसिएटेड सेकंड स्टेप क्या है? एंगल एसोसिएटेड रिमेन थीटा. चाहे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, थीटा सेकंड में लाई करे, थीटा फोर्थ में लाई करे, बट हम बात कर रहे हैं थर्ड स्टेप के अंदर, हम बात कर रहे हैं कंप्लीट एंगल की. साइन इज अफिक्स्ड अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट इन विच द एंगल लाइज. ठीक है, साइन इज अफिक्स्ड अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज, इन विच एंगल लाइज. ये हमारे पास थर्ड स्टेप है. ठीक, और इंपॉर्टेंट यहां पे नोट हमारे को क्या लिखना है, देखो मैं यहां पे नोट लिख देता हूं. नोट हमारे को क्या रखना है कि साइन इज ऑलवेज कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग फंक्शन. जिसके ऊपर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा साइन. तो फिर से नोट कर लो, साइन इज ऑलवेज कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग फंक्शन. जिसके ऊपर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा साइन. तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं. हमारे पास हम समझते हैं, देखो साइन हमारे पास है साइन पाई बाय टू प्लस में थीटा, पाई बाय टू प्लस में थीटा. पहली बात, साइन किसके अंदर चेंज हो जाएगा? इस फॉर्म के अंदर है साइन प्लस साइन पाई बाय टू, साइन थ्री पाई बाय टू, साइन फाइव पाई बाय टू, यानी कि साइन ऑड पाई बाय टू, है ना, इस तरीके के अंदर है. तो साइन किसके अंदर चेंज हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा कॉस के अंदर, थीटा रिमेन थीटा. अब बात करते हैं साइन कैसे आएगा. साइन पता चलेगा एंगल से, और ये कंप्लीट एंगल की बात हो रही है यहाँ पे. तो पाई बाय टू प्लस में थीटा, पाई बाय टू हमारे पास ये वाली लाइन किसकी होती है? ये वाली लाइन होती है पाई बाय टू. तो प्लस में थीटा हम कहाँ पे जा रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर. और क्या सेकंड के अंदर पॉजिटिव होता है क्या साइन? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड के अंदर साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है. साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव. यही मैंने लास्ट नोट में लिखवाया कि हमारे को साइन जो देखना है वो किसके लिए देखना है? ऑन द ऑपरेटिंग फंक्शन. हम ऑपरेशन इस फंक्शन के ऊपर लगा रहे हैं तो साइन इसके लिए देखना है. साइन पॉजिटिव होता है, कॉज को नहीं देखना है हमारे को, साइन को देखना है, ऑपरेटिंग फंक्शन को देखना है साइन के लिए. साइन पाई बाय टू तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर. ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हम कॉज की बात कर लेते हैं. कॉज पाई बाय टू माइनस थीटा, तो बताओ कॉस किसके अंदर चेंज हो जाएगा? कॉस चेंज हो जाएगा साइन के अंदर.
एंड वाइस वर्सा मैंने बताया, साइन कॉस के अंदर कॉस साइन के अंदर, टैन कॉट के अंदर कॉट टैन के अंदर, सेक कोसेक के अंदर और कोसेक सेक के अंदर। सिमिलरली पिछले वाले केसेस के अंदर साइन साइन के अंदर रहेगा, कॉस कॉस के अंदर, टैन टैन के अंदर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, कॉस चेंज हो जाएगा साइन के अंदर, एंगल थीटा का थीटा ही रहेगा। और हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल की, साइन के लिए पाई बाय टू माइनस थीटा, ये पाई बाय टू है माइनस थीटा, हम आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है, देखना किसको है, कॉस को देखना है ऑपरेटिंग फंक्शन को, तो कॉस होता है पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास, बात समझ आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में थीटा। अब हम बात करते हैं कुछ और एंगल्स की, कुछ और एलाइड एंगल्स की हमारे पास, हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं किसकी बात कर लें, हम बात कर लेते हैं टू पाई की बात कर लेते हैं, हम सॉरी थ्री पाई बाय टू की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थ्री पाई बाय टू, यहाँ पे टेन थ्री पाई बाय टू प्लस में थीटा, तो ये इसी फॉर्म के अंदर है, एन पाई बाय टू प्लस माइनस में थीटा। तो ये टेन किसके अंदर चेंज हो जाएगा, टेन चेंज हो जाएगा कॉट के अंदर, टेन चेंज हो जाएगा कॉट के अंदर। थीटा क्या रहेगा, थीटा रहेगा थीटा। सिर्फ एलाइड एंगल्स के लिए बात हो रही है यहाँ पे, एलाइड एंगल्स यानी कि एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ पे कॉट थीटा रहेगा। साइन की बात करें तो ये कंप्लीट एंगल कहाँ पे जाएगा, थ्री पाई बाई टू, देखो ये कितना है जीरो, ये कितना है पाई बाई टू, ये कितना है पाई, ये कितना है थ्री पाई बाई टू, ये कितना है थ्री पाई बाय टू, कैसे देखो ये कितना है पाई, पाई प्लस में पाई बाय टू प्लस में पाई बाय टू, कितना हो जाएगा टू पाई प्लस वन, पाई बाय टू पाई प्लस वन यानी कि थ्री पाई बाय टू। ठीक है, यानी कि हम थ्री पाई बाय टू हम यहाँ पहुँच गए हैं, ये कितना है थ्री पाई बाय टू प्लस में थीटा, तो हम आगे निकल गए प्लस थीटा, यानी कि हम आगे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और क्या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेन पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, गलत नहीं होता है, टेन क्या होता है नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस ऑफ कॉट थीटा आ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कॉट थीटा होता है, यहाँ पे थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा होता, तो कॉट किसके अंदर चेंज हो जाता, कॉट चेंज हो जाता टेन के अंदर, थीटा रहता थीटा। हम एंगल की बात करते हैं, थ्री पाई बाय टू माइनस में थीटा, तो हम पीछे जाते थोड़ा सा, और पीछे कौन से क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। क्या थर्ड के अंदर कॉट पॉजिटिव होता है, बताओ, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो हम साइन के लिए किसको चेक करेंगे, साइन के लिए हम चेक करेंगे इसको, टेन का उल्टा कॉट, और कॉट कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अभी हम कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ टेन थीटा। तो ये हमारे पास एक साइन स्कीम है ना। इस तरीके से हम एलाइड एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। ये हमारे पास था कंप्लीट फॉर्म।